अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ काशीज़ की इवेंट ऑन हाई कवरेज फाउंडेशन का ऑनेस्ट रिव्यू। सो आज की वीडियो में मैं आपको इसके प्राइसेस एंड इसका शेड मेरे पास कौन सा है और इसका फुल ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और ये वाला शेड किन स्किन टोन के लिए बेस्ट है और किसके लिए बेस्ट नहीं है, फुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। एंड देन मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमें किस स्किन टोन के लिए किस तरह टाइप का हमें जो शेड है वो चूज़ किस तरह से सिलेक्शन करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। सो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो ये इस तरह की गोल्डन कलर की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में है, और पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। एंड ये जो आउटर पैकेजिंग है इसकी वो सेम टू सेम मैक की फाउंडेशन की तरह की पैकेजिंग है। एंड इसकी ग्लास बॉटल है। सो और यहाँ पे मेरे पास जो शेड नंबर है वो है 02, जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड है, बट मैंने इसका जब रिव्यू वगैरह देखे थे तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर जैसे यूज़ कर रहे थे और मुझे ये लग रहा था ये काफ़ी ज़्यादा लाइट और मतलब अच्छा शेड है, स्किन टोन पे सूट करेगा। बट जब मैंने इसको मंगवाया 02 शेड, तो ये बहुत ही ज़्यादा पिंकिश और बहुत ज़्यादा डार्क शेड है और मेरी स्किन टोन पर तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया। 02 इसका शेड है और ये बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा पिंकिश है। ये वीडियो में इतना ज़्यादा बिल्कुल नहीं पता चल रहा, अप्लाई करने के बाद भी इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन ये बिल्कुल इसको सिर्फ वही चूज़ करें जिनका कम्प्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा डल या डार्क है। फेयर कलर वालों के लिए या नॉर्मल मीडियम कलर वालों के लिए भी ये बिल्कुल भी अच्छा कलर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डार्क है। सो इसका कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, इसलिए ये वाली फाउंडेशन मैंने एक्सचेंज करवाई है और मैंने इसकी वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। सो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड है और कंसिस्टेंसी वो इसकी काफ़ी ज़्यादा थिक है, और कवरेज भी इसकी A100x100 है, बहुत ही बेस्ट इसकी हाई कवरेज है। फेस पे जितनी मर्ज़ी पिगमेंटेशन हो, स्कार्स हो, जैसे मर्ज़ी निशान आते हो, हमें किसी भी कंसीलर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखें आपको, मेरा यहाँ आपसे हाथ भी चला हुआ है तो ये इस सबको कवर कर देगा बिल्कुल। इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा हाई है और अप्लाई करने के बाद ये इतना डार्क कलर लग नहीं रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर था, मेरी स्किन टोन पर बिल्कुल भी नहीं सूट किया था। और ये देखें, ये जो मेरे हाथ पे निशान था इसने इसको बिल्कुल टोटली कवर कर दिया, जैसे कुछ लगा हुआ ही नहीं है। सो ये मैं आपको अपने हैंड पे फुल अप्लाई करके भी इसकी कवरेज दिखाऊंगी, और इसके पहले से भी काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ मौजूद हैं और आप लोगों ने पहले से यकीनन देखे हुए ही होंगे, लेकिन कवरेज इसकी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, बट कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क है। सो अगर आप लोगों को भी कोई बहुत ही बेस्ट और हाई कवरेज फाउंडेशन चाहिए, स्पेशली ये ब्राइडल फाउंडेशन है, अगर हम ये ब्राइडल पे भी यूज़ कर सकते हैं तो इसके करते हैं, तो हमें इसके किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट सिंगल सिंपल ही काफ़ी है। सो इसका नंबर 02 है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क स्किन टोन वालों के लिए शेड है। और काशीज़ ने भी खुद अपनी वीडियो में काफ़ी दफ़ा बताया कि ये मोस्ट डिमांडिंग शेड है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी मोस्ट डिमांडिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत डार्क शेड है। सो बाकी इसकी कवरेज की बात की जाए तो ये बहुत ही बेस्ट इसकी कवरेज, और ये मेरी फेवरेट फाउंडेशन है। मैं इसके अंदर चेंज कलर करके पैशनेट मंगवाऊंगी, जो कि फेयर स्किन टोन के लिए है, वो वाला कलर ही मैंने इसके लिए बाय करना है, इसको एक्सचेंज करवाया है। एंड जब मेरे पास वो वापस आ जाएगी तो मैं आप लोगों से इसका ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि अगर आप लोगों ने भी एक्सचेंज करवानी हो तो वो मैथड कैसे ये वापस आएगी भी या नहीं आएगी। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।